का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मास्टर कैम के अंदर रोटरी टूलपाथ के बारे में। रोटरी टूलपाथ कैसे क्या काम करता है। रोटरी टूलपाथ के बारे में अब तक हमने 3 अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें से एक वीडियो दो वीडियोस इंग्लिश में, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड वीडियो जो है हिंदी में। ये हमारा फोर्थ वीडियो है जो कि अगेन हिंदी में बनाने वाले हैं। सो, इस वीडियो में हम रोटरी के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या रोटरी में प्रॉब्लम्स आती है, क्या उनके सॉल्यूशंस होते हैं, और कम्प्लीटली हम इसके अंदर भी इस वीडियो में एक पूरा का पूरा पार्ट बनाने वाले हैं। सो, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंटिन्यूसली बने रहिएगा, ताकि आपके जो रोटरी के अंदर जो डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाने हैं। यहाँ पर जो रोटरी के अंदर जो हम ये पार्ट बना रहे हैं, इसे कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम पोजिशनल मशीनिंग या इंडेक्सिंग कहते हैं। अब इसमें काम कैसे होता है, हमारा फॉर एग्जांपल टूल इस तरफ से मशीनिंग होना तो ये हमारे टॉप पे रहेगा, अगर इस तरफ से मशीनिंग होना तो ये टॉप पे रहेगा, इधर से मशीनिंग होना तो ये टॉप पे। सो, इस तरीके से हम इसे पोजिशनल मशीनिंग के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ हमें इंडेक्सिंग मशीनिंग के नाम से भी जानते हैं। बट ये काम जो है वो रोटरी पे होना है, क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट हमारा रोटेट कर सकता है, टूल अलग अलग प्लेन्स में आ सकता है। सो, इस वीडियो में आप कम्प्लीटली समझने वाले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है रोटरी में या इंडेक्सिंग मशीनिंग में, और उसका साथ ही साथ हम क्या सॉल्यूशंस करते हैं और इनका सॉल्यूशन किस तरीके से रहता है। सो, फर्स्ट मैं इस पार्ट को आपको सिमुलेट करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो भी हमारा टूल पाथ्स जो बना रहे हैं, वो टूल पाथ्स कैसे क्या टूल पाथ्स बन रहे हैं, और ये किस तरीके से एक फाइनल पार्ट हमारे पास सामने आ रहा है। सो, इसके लिए मैं आ गया यहाँ पर सिमुलेटर पेज में। जैसे ही मैं सिमुलेटर पेज में आता हूँ, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर एक रोटरी मशीन यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस रोटरी मशीन के साथ अगर मैं इस पार्ट को मशीनिंग करता हूँ, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो मशीनिंग हो रहा है, एक स्पेसिफिक प्लेन में मशीनिंग हुआ, साथ ही उसके मशीनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा पार्ट ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो गया या एक नई पोजीशन पे सेट हो गया। इसी के कारण इसे पोजिशनल या इंडेक्सिंग मशीनिंग के नाम से जाना जाता है। बट ये जो मशीनिंग हो रही है वो हमारी एक रोटरी टेबल या रोटरी अटैचमेंट की मदद से हो रही है, तो इसके कारण इसे हम रोटरी मशीनिंग के नाम से भी जानते हैं। सो, यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, अलग अलग प्लेन्स में हमने एज पर रिक्वायरमेंट हमने टूल ले रखा है, और यहाँ पे हम मशीनिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप ये भी समझने वाले हैं कि इस तरीके से हम प्लेन बना सकते हैं, और इन प्लेन्स को बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, और यहाँ पर आप डिफरेंट टूल पाथ्स के बारे में भी समझेंगे। सो, जैसा आप देख पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रोटरी टूल पाथ्स हमने यहाँ पे कम्प्लीटली एक प्रॉपर तरीके से पार्ट क्रिएट कर लिया है। सो, आइए समझते हैं कि किस तरीके से आप ये पार्ट, इसका आप टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं मास्टर कैम के अंदर। सो, टूल पाथ क्रिएट करने के लिए फर्स्ट मैं सारे के सारे जितने भी मेरे टूल पाथ्स हैं मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए मुझे क्लिक करना है डिलीट ऑल ऑपरेशंस एंड यस। सो, अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने सारे टूल पाथ्स डिलीट किए, ध्यान देने वाली चीज़ यह, अभी मेरा जो टॉप प्लेन है वो मैंने सेलेक्टेड करके रखा हुआ है। अभी टॉप प्लेन में ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप ये मॉडल्स देखना चाहते हैं कि ये मॉडल आप मशीनिंग कैसे करते हैं या किस तरीके से आपका प्रोसेस रहता है, सो इस मॉडल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये मॉडल आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान दें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर निखर के सामने आती है, और उतने ही चीज़ों में आप एक्सपर्ट होते हो। सो, यहाँ पे मशीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आऊँगा अगेन मास्टर कैम के मिलिंग टूल पाथ्स में। और यहाँ पे जब हम पोजिशनल मशीनिंग में काम करते हैं, तो मोस्टली हम मिल 2D टूल पाथ्स, और कभी कभी हम रियर चांस में मिल 3D टूल पाथ्स पे काम करते हैं। अगर आप मिल 2D टूल पाथ्स के बारे में समझना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बना रखे हैं, प्ले लिस्ट है मास्टर कैम मिल 2D प्ले लिस्ट, वहाँ से आप इनको समझ सकते हैं। सो, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके से हम ये पार्ट हम बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा ज़रूरी है ये जानना कि कितने mm लेंथ के लिए मुझे मशीनिंग करना है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 50.8 mm। तो अगेन आई हैव मुझे सिलेक्ट करना है कंटूर टूल पाथ। कंटूर टूल पाथ में मुझे सिलेक्शन करनी है ओनली एक सिंगल एज। मैंने यहाँ पे एक सिंगल एज को सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन करने के बाद अब मुझे सिलेक्ट करना है टूल। जैसे ही मैं टूल सिलेक्शन पेज में आता हूँ, तो मैंने कहा सिलेक्ट टूल लाइब्रेरी, और यहाँ पर मैंने 40 mm का, या फिर कहूँ कि 32 mm का एक शोल्डर एंड मिल सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद मैंने क्लिक किया ओके पर। अभी यहाँ पे ओके करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट आता हूँ कटिंग पेज पर, कटिंग पैरामीटर में। यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट टूल सिलेक्शन किया और मैंने कहा ओके।
तो जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल पाथ तो बन रहा है, बट ये टूल पाथ एक ओपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसके लिए मुझे जाना पैरामीटर्स में, और यहाँ पे कटिंग पैरामीटर्स में आने के बाद इसको कंपनसेशन लेफ्ट को राइट कर लूँगा। अभी यहाँ पे मेरा टूल पाथ आ रहा वो इस तरीके से आ रहा है, बट मुझे जो है यहाँ पे इसकी रेडियस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट जाऊँगा पैरामीटर में, लीड इन लीड आउट में रेडियस को मैं कर दूँगा ऑफ, ओके एंड ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल सीधा सीधा आएगा, बट क्या ये मेरा सिंगल पास के अंदर कंप्लीट पार्ट बन जाएगा? नहीं, मेरा सिंगल पास में कंप्लीट टूल पाथ पार्ट नहीं बन सकता। सो इस केस में ज़रूरत है मुझे मल्टी पासिस देने की, तो मल्टी पासिस देने के लिए मैं जाऊंगा मल्टी पासिस में, और मैंने सेलेक्ट कर लिया नंबर ऑफ पासिस 2 और उनका स्पेसिंग कितना देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा टूल है 32 mm का, तो जिसका अर्थ है मैं 20 mm तक की स्पेसिंग दे सकता हूँ, और मैंने कहा ओके। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने 20 mm की स्पेसिंग दे दी है, बट मुझे यहाँ पे क्लिक करना है कीप टूल डाउन, ताकि मेरा टूल कंटिन्यूसली नीचे ही रहे। तो यहाँ पे जैसा, और यहाँ पे जो कटिंग मेथड है वो मुझे सिलेक्शन करना है जिगजैग। जिगजैग करने का अर्थ है कि मेरा टूल पाथ कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद बाहर आएगा और अगेन नेक्स्ट पास के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, अब कुछ चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझूंगा। सो इसके बाद हमने क्लिक किया ओके। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे सिंगल एरिया में कंपोनेंट टूल पाथ बना लिया। अब कुछ चीज़ों में और डीप में बात करते हैं, जैसे अभी लिंकिंग पैरामीटर में जब कभी भी ध्यान देने वाली चीज़ ये है, जब कभी भी आप रोटरी में काम करते हैं या इंडेक्सिंग में काम करते हैं या मल्टी एक्सिस में काम करते हैं, तो सारे के सारे पैरामीटर को हमेशा इंक्रीमेंटल में रखें, और इंक्रीमेंटल में रखने के बाद जो भी वैल्यूज़ देनी है, इन सभी टूल चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी कई बार बात कर ली है। तो यहाँ पे जो भी मैं टूल पाथ बनाने वाला हूँ, एक सिंगल पास बनाने वाला हूँ मैं सभी एरियाज के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे टूल पाथ बनाया, अभी इसके बाद मैं इस टूल पाथ को वापस से रोटेट कर सकता हूँ। तो रोटेट करने के लिए मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म टूल पाथ रोटेट। जब कभी भी आप टूल पाथ रोटेट करते हैं किसी प्लेन के अकॉर्डिंग, तो आपको सिलेक्शन करना है टूल प्लेन, यहाँ पे इसको NCI रोटेट, हाउ मैनी नंबर ऑफ रोटेशन, 5 नंबर ऑफ रोटेशन, और इनका जो बीच का एंगल है वो 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री, ओके। बट यहाँ पे जो रोटरी प्लेन है, किस प्लेन को रेफरेंस मान के आप रोटेट कर रहे हो, वो आपको रखना है लेफ्ट या राइट। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड को मान के, क्योंकि अगर मैं टॉप से रोटेट करूँगा तो रोटेट मेरा इस तरीके से होगा, बट अगर मैं राइट से रोटेट करूँगा तो मेरा रोटेट इस तरीके से होगा। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इस चीज़ को कम्प्लीटली क्रिएट कर लिया है। अगेन मुझे टूल पाथ क्रिएट करना है, वो है इस पोर्शन के लिए। तो मैं दोनों के दोनों ऑपरेशन को फिर से सिलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ। अगेन मैं इसकी ज्योमेट्री पर क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास रीचेन ऑल, और मैं इस एज को सिलेक्ट करके ओके ओके। अगर मैं इस टूल पाथ को रीजनरेट करूँ, तो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने इस टूल पाथ के लिए, इस पोर्शन के लिए टूल पाथ क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे इसके लिए नंबर ऑफ रोटेशन में मुझे ये टूल पाथ सिलेक्शन करना है, और नंबर ऑफ रोटेशन में मुझे 3 दे देना है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं 3 times है, और इसका जो एंगल है, अगर मेरे पास 360 डिग्री में 4 अलग अलग टूल पाथ्स हैं, तो उनके बीच का एंगल वो है 90 डिग्री होगा। इसको कैलकुलेट करने का भी एक सिंपल सा फंडा है, आपको 360 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ एरियाज है 4, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इस पोर्शन के लिए टूल पाथ बना लिया, और साथ ही साथ मैंने इस पोर्शन के लिए भी टूल पाथ बना लिया। सो अब मैं बात करता हूँ किस तरीके से आप ये ड्रिल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं आपको ड्रिल तो क्रिएट करने हैं, बट इसके नंबर ऑफ रोटेशंस कितने, ओनली 3 नंबर ऑफ रोटेशंस है। सो यहाँ पे ड्रिल टूल पाथ को क्रिएट करने का एक सिंपल सा मेथड है। इसके लिए फर्स्ट आपको जाना है मॉडल प्रिपरेशन में, यहाँ आपको क्लिक करना होल एक्सिस, और होल एक्सिस को क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। बट जैसा अभी आप देख पा रहे हैं मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरा सरफेस मॉडल है, उसके कारण यहाँ पे इस चीज़ को वो रीड नहीं कर पा रहा। सो अब इस कंडीशन में मेरे पास सेकंड जो मोस्ट ऑप्शन है वो है मैं डायरेक्ट ड्रिल ऑप्शन में जाऊँगा। बट क्या मैं डायरेक्ट ड्रिल ऑपरेशन में जाने के बाद मैं इस सरफेस को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, या अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा? इसका क्या रीज़न है, अगर आपका मॉडल सरफेस मॉडल में होगा तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। सो उस केस में अगेन मुझे यहाँ पे इस टूल पाथ को बनाने के लिए भी एक सबसे पहले मुझे टूल पाथ बनाना पड़ेगा, और उस टूल पाथ बनाने के बाद मुझे उसको डिफरेंट एंगल्स में रोटेट करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा ड्रिल में, मैंने यहाँ पे इसके लिए टूल पाथ बनाया, मैंने कहा ओके। अभी यहाँ पे टूल पाथ बनाने के बाद मैं गया टूल में, कितने डिग्री कितने का टूल है, मैंने कहा 6.3 का टूल है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने टूल ले लिया एक स्पेसिफिक कटिंग पैरामीटर,
और मैंने कहा ओके। अब यहाँ पे जो और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है लाइक एज ए लिंकिंग पैरामीटर में, वो सारे के सारे मैं पैरामीटर्स दे दूंगा। सब कुछ इंक्रीमेंटल में होना चाहिए। यहाँ पे मेरे डेफ्थ में गया और मैंने यहाँ पे जो नीचे के पोर्शन के लिए डेफ्थ है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर ली। ओके, मैं डेफ्थ सिलेक्शन नहीं कर पा रहा, मैंने दिया -5। ओके, तो जैसा देख पा रहे आप मेरा टूल पाथ बन गया। रिट्रैक्ट वैल्यू को भी मैंने यहाँ पे दे दिया 2 mm। सो आई होप कि आप इन सभी टूल पाथ्स के बारे में, जो मिल 2D टूल पाथ्स है उनके बारे में अच्छा नॉलेज है, तभी आप रोटरी या इंडेक्सिंग टूल पाथ समझ पाओगे। अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले वो चीज़ जा करके आप सीखें। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप से इस टूल पाथ के लिए या इस पोर्शन के लिए टूल पाथ क्रिएट किया है, वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो इन पोजिशंस के लिए भी टूल पाथ क्रिएट कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अब मुझे टूल पाथ बनाना है इस ए पोर्शन के लिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, मैं इसको एज पर रिक्वायर्ड एंगल पे टिल्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं गया यहाँ पे रोटरी टूल पाथ, रोटेट सारा सब कुछ से मैंने ड्रिल टूल पाथ लिया। मैंने कहा मुझे नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो रखना है 1 और इसका जो एंगल है वो रखना है 60+60, इट शुड बी 120 डिग्री। और मैंने कहा ओके। सो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा टूल पाथ बन गया। अगेन मैं इस टूल पाथ को कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ और इसका जो एंगल है वो मैं कितना कर सकता हूँ यहाँ पे -120 डिग्री। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं इस तरफ से भी मेरा टूल पाथ बन गया। जब आप इसका एनसी आउटपुट लो तो तीनों टूल पाथ को एक साथ सेलेक्ट करके आप एनसी आउटपुट लोगे तो एक ही साथ मेरे तीनों के तीनों टूल पाथ एनसी आउटपुट में क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अगेन यहाँ पे जो मेरा ये जो स्लॉट एरिया है, स्लॉट मिलिंग करना है उसको कटिंग के लिए। तो इसके लिए मैं सिंपल सा मेरे पास ऑप्शन है, इसके लिए मैं जाऊँगा स्लॉट मिलिंग, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके। मुझे जाना है टूल में, इसके लिए जितने की टूल साइज की रिक्वायरमेंट है वो मेरा 6 mm का एंड मिल और मैंने कहा ओके। अगर आप देखें तो ये जो एक सिंपल सा टूल पाथ है और ये जो मेरा प्लेन है जनरली टॉप प्लेन है, लेकिन जो प्रॉब्लम आनी है टूल पाथ क्रिएट करने के लिए वो मुझे आनी है यहाँ पे इस प्लेन में क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे इस प्लेन में क्रिएट करने के लिए। सो अब अगर मुझे इस तरफ के इस प्लेन में टूल पाथ क्रिएट करना है तो उसके लिए ज़रूरी कि मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक नया कंस्ट्रक्शन प्लेन बनाऊँ। तो इसके लिए मैं जाऊंगा प्लेन में, क्रिएट ए प्लेन विद द हेल्प ऑफ सॉलिड फेस। मैं इसके फेस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने फेस पे क्लिक किया तो मेरा क्या हुआ, टूल पाथ बन रहा है। बट अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप रोटरी में कोई भी प्लेन बनाते हो तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे जो हमारा टॉप प्लेन है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस जो है वही सेम होना चाहिए। अगर आपका एक्स इस तरफ है तो इसके लिए भी एक्स इस तरफ होना चाहिए, वाई इस तरफ होना चाहिए और जेड इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा सबसे ज़रूरी है वो एक्स, मैंने सबसे पहले आ गया एक्स के अंदर, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा जेड अभी भी बॉटम नीचे की तरफ है। तो अगेन मैं इसको रोटेट किया तो अगर आप देखें, मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे मेरा एक्स डायरेक्शन ऐसे, वाई ऐसे और अगेन जेड ऐसे। तो यहाँ पे मेरा एंगल ये स्पेसिफिक एंगल आ गया। तो मैंने अब क्लिक किया कस्टम प्लेन फॉर पॉकेट और मैंने कहा अभी यहाँ पे जैसे आप कस्टम प्लेन फॉर पॉकेट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा प्लेन तो क्रिएट हो गया बट इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे 0 0 जो है यहाँ पे है। तो ध्यान देना कि आपको एक्स को 0 करना, वाई को 0 और जेड को 0। तो क्या हुआ, अगेन आपका जो ऑफसेट वैल्यू है, जो हमारा टॉप के लिए ऑफसेट वैल्यू है वही सेम यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू ही आ गई। बट जो एंगल जो है हमें यहाँ पे, हमारे पास एंगल आ गया कि टूल का जो एंगल है वो इजी रहेगा। और मैंने कहा ओके, अब मैं क्रिएट करता हूँ इसके लिए टूल पाथ। सो यहाँ पे इसके लिए टूल पाथ क्रिएट करने के लिए मुझे जाना है पॉकेट मिलिंग टूल। अगेन मैंने 6 mm का एंड मिल ले लिया, कटिंग पैरामीटर स्टॉक जितना भी रखना आपको वॉल एंड फ्लोर पे। ध्यान देने वाली चीज़ क्या, आपको प्लेन में आना है, टॉप इसको टॉप प्लेन रखना है फर्स्ट और बाकी के जो है ध्यान दे, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा टॉप रहेगा और कस्टम टूल प्लेन और सी प्लेन ये दोनों हमारे जो पॉकेट के लिए कस्टम प्लेन बनाए वो रहेंगे। और मैंने कहा ओके। सो जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इसके लिए टूल पाथ बना लिया। अगर आप यहाँ पे डेफ्थ और जो रिक्वायर्ड पैरामीटर देना चाहते हो तो यहाँ पे सब कुछ इंक्रीमेंटल में रख करके आप यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं, डेफ्थ ऑफ कर दे सकते हैं। अगेन अगर मुझे सेम जैसे मैंने यहाँ पर कस्टम प्लेन करके टूल पाथ क्रिएट किया है, सेम मुझे अगर कस्टम प्लेन क्रिएट करना इस फेस के लिए तो सेम मेथड है। मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा प्लेन में और यहाँ पे मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक कस्टम प्लेन बना रखा ओपन पॉकेटिंग,
क्योंकि यहाँ पे मेथड सेम है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा जेड का डायरेक्शन है ऑटोमेटिकली ओपन पॉकेटिंग के लिए इस तरफ आ गया। सो मेथड सेम है, आपको इस पर क्लिक क्रिएट ए न्यू प्लेन सॉलिड फेस यहाँ पर क्लिक करना है, सब कुछ 0-0 कर देना है। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को बनाने के लिए आऊँ तो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, जब भी आप प्लेन बनाओ अगेन सब कुछ वापस से टॉप में लेके आ जाओ। अब मैं जाऊँगा फिर से टूल पाथ पॉकेटिंग, मुझे जो सिलेक्शन करनी है ओपन पॉकेटिंग, तो ओपन पॉकेटिंग सिलेक्शन करने का सबसे मेथड अच्छा रहता है आउटर सेड एज, सॉरी आउटर ओपन एज एंड ओके। सो टूल 6mm कटिंग मेथड, पॉकेट नहीं करेंगे हम ओपन पॉकेट और यूज ओपन पॉकेट मेथड। फिनिशिंग को कर देंगे हम बंद और यहाँ पे सबसे ज़रूरी है वो प्लेन, और यहाँ पे मैंने कहा नीचे गया और मैंने कहा कस्टम ओपन पॉकेट प्लेन जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ, और मैंने कहा ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा टूल जो है एक कस्टम साइट से एंटर हुआ और प्रॉपर तरीके से मेरा टूल पर बन गया। सो आपको यहाँ पे एक आइडिया लगा किस तरीके से मेरा यहाँ पे टूल बन सकता है। अगेन अगर मुझे अभी यहाँ पे मशीनिंग करना है फॉर दीज ड्रिल्स, तो यहाँ पे ड्रिल को मशीनिंग करने का मेरे पास क्या मेथड है, मैं यहाँ पे अगेन जाऊँगा ड्रिल में, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया ड्रिल्स 1, 2, 3 एंड 4 ओके डिलीट ऑल। अगर आप कभी भी ड्रिल सिलेक्शन कर रहे हो और सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको फिल्टर को ऑफ कर दें, डेप्थ फिल्टर को, और फिर सिलेक्ट करें 1, 2, 3 और 4 और आपको कहना ओके। जैसा अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरा प्लेन है वो बैक साइड प्लेन है, तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने टूल सिलेक्शन किया और प्लेन में जाकर के मैंने सीधे सीधे यहाँ पे बैक साइड प्लेन ले लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बैक साइड प्लेन ले लिया ओके एंड ओके, तो क्या होगा मेरा टूल पाथ तो क्रिएटेड हो गया जैसा मुझे रिक्वायर्ड था। सॉरी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हुई है, तो मैं इसके लिए ज्योमेट्री में जाऊँगा, मैं इसको एक बार डिलीट करूँगा और यहाँ पे इस चीज़ को ऑन कर लूँगा ओके। तो मेरा टूल पाथ तो क्रिएटेड हो गया कि मेरा टूल जो है इस तरफ से आ रहा है, फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल, फोर्थ होल, चलो चारों होल बन रहे हैं, बट अभी मेरा बैक साइड से आ रहा है। तो ये चीज़ें दिखने में तो प्रॉपर लगती है, बट जब हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अगर आप रोटरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आपका एक्स का डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होना चाहिए, वाई का डायरेक्शन और जेड का डायरेक्शन रोटेट हो सकता है। इट्स मीन्स एक्स का डायरेक्शन इस तरफ, जेड का डायरेक्शन वो रहेगा जिस तरफ से आपका टूल एंटर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका अगेन इस तरीके से मेरा पार्ट रोटेट होगा। लेकिन जब यहाँ पे मैंने बैक प्लेन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे अगर मैं प्लेन में आकर के अगर जैसे मेरा टॉप है तो टॉप से टूल आ रहा, तो ऐसे अगर फ्रंट से टूल आ रहा तो ओके। बट अगर मैं बात करूँ बैक, तो जैसे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ तो टोटली मेरा जो है पार्ट मिरर हो गया। तो होगा क्या, अब जब एनसी आउटपुट आप लोगे तो उस केस में क्या होगा, आपने टूल पाथ इस तरह बनाया लेकिन आपके एनसी आउटपुट में टूल पाथ जो आउटपुट होगा जब आप मशीन पर रन करोगे तो वो यहाँ पे कहीं चल रहा होगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको करना क्या है, आपको इसके लिए जाना है अगेन प्लेन्स में, आपको टूल के टॉप प्लेन को करना है आपको डुप्लीकेट, और यहाँ पे जो आपने टॉप प्लेन डुप्लीकेट किया है आप अपना अकॉर्डिंग नाम दे दो टॉप, और मैंने दे दिया बैक। अभी इसको टूल प्लेन को करना आपको राइट क्लिक एडिट, और यहाँ पे आप अपना डायरेक्शन रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जेड -90 से आएगा तो मेरा अभी टूल प्रॉपर आएगा। तो उस केस में क्या, एक्स अभी भी हमारा इस तरफ है और जेड जो है एज रिक्वायर्ड एंगल पे रोटेट हो गया है। तो इस केस में अगेन मैं आऊँगा टूल पाथ्स में, इस पर आकर के मैं सिलेक्ट करूँगा इसको बैक की बजाय, जो मैंने एक नया प्लेन क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करूँगा ओके। सो अब जब आप ये टूल पाथ्स को प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर लेते हैं तो आप इसको एक प्रॉपर तरीके से मशीन पे रन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से मैं टूल पाथ बना सकता हूँ अगर मुझे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है इस टाइप का एक कंपोनेंट। सो इस वीडियो में आपने रोटरी के बारे में काफ़ी कुछ एक एडवांस लेवल पे चीज़ें समझी कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसका क्या सॉल्यूशंस होता है। सो आने वाले एक नेक्स्ट वीडियो में हम रोटरी के अंदर कुछ और नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम नए नए कंस्ट्रक्शन प्लेन्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्लेन्स बना सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ नई चीज़ों को समझेंगे। अगर आपको ये पार्ट चाहिए, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।